सो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, बहुत दिनों बाद अब दोबारा मिल रहे हैं हम। एक्चुअली मेरा फ़ोन जो है ख़राब हो चुका था, जिस वजह से मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। सो गाइस, फिर से वापस आ चुके हैं। और वैसे अभी मैं शादी में आया पड़ा हूँ अपने बड़े भाई के। सो गाइस, शादी का दो चार आपको वीडियो भी मिलेगा, उसका भी ब्लॉग मिलेगा आपको। मतलब ट्रेडिशनल शादी कैसी होती है, कैसी नहीं होती, मतलब जो भी एक दो रीति रिवाज वगैरह है। और अभी मैं पीछे के साइड आया पड़ा हूँ, और यहाँ पे जो सबसे बड़ा बिजनेस है फूलों का होता है। एक तो गेंदे फूल का होता है, और सबसे बढ़िया चीज़ रजनीगंधा। जी गाइस, रजनीगंधा तो आपने सुना ही होगा और देखा तो होगा ही। मतलब शादी ब्याह में रजनीगंधा के अलावा कुछ देखने को ही ना मिले आपको, क्योंकि अगर कोई अदर्स फूल उसमें फ्लावर्स हो या ना हो, लेकिन आपको रजनीगंधा ज़रूर देखने को मिलेगा। जिस वजह से मतलब यहाँ पे खेती होती है रजनीगंधा की, और ठंडी के टाइम भी होती है, मतलब उतनी भी ज़्यादा नहीं होती। अभी धीरे धीरे कम होगा, मौसम के हिसाब से मतलब बढ़ना घटना लगा रहता। सो गाइस, आपको दिखाता हूँ मैं कि मतलब रजनीगंधे के पौधे जो है वो किस प्रकार से होते हैं। अभी मैं बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, फ्रंट में जितना भी है ना, नीचे की तरफ पूरा रजनीगंधा फूलों से भरा पड़ा है। ये देखो लोकेशन, रजनीगंधे के फूल के जो पौधे हैं ना, ये देखो कैसे, मतलब इतनी इतनी हाइट तक, मतलब एक हाथ बराबर इतना, एक मीटर तक, मतलब इतने इतने ऊपर तक ये उगते हैं। इससे पहले आपने देखा नहीं होगा मुझे लग रहा है। सो गाइस, अच्छे से आपको दिखाता हूँ, मतलब पास ले जाके अपने बैक कैमरे से। सो गाइस, ये देखो, ये है पौधे। देखो मैं नीचे से दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ से, मतलब ये जो है ना, ये घास वास नहीं है, ये भी मतलब पौधे में आते हैं, और ये बीच में से निकलता है। ये देखो, ये तो मतलब अभी तक कली है, मतलब खिला नहीं है। खिला हुआ दिखाता हूँ आपको, ये देखो, देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है खिला हुआ। और इसकी परफ्यूम की बात करो तो कसम से गजब है। ऐसे ही नहीं, शादी ब्याह के मतलब जितने भी पंडाल वगैरह होते हैं, गाड़ी वगैरह में यही फूल लगाया जाता है रजनीगंधा का। एक्चुअली आपको ये वाइट क्यों नहीं दिख रहे पता है? क्योंकि ये तोड़ लिए जाते हैं, जिस वजह से अभी तक है नहीं। मतलब जिस टाइम तोड़ेंगे ना, उस टाइम मैं ला के आपको दिखाऊंगा एक बार। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, आप देखो, ये मतलब पूरे एरिया में रजनीगंधा ही रजनीगंधा फैला हुआ है। Oh,
काफी दूर तक फैला पड़ा है ये देखो, और पीछे एक छोटा सा केले का पेड़ भी है जो कि अपने आप उग गया है। वैसे ही बीज तो डालते नहीं है, आ गया होगा बीज के साथ मिक्स होकर और केले का पेड़ बन गया होगा यहाँ पे। और ये पीछे देखो कितना प्यारा लग रहा है।